सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ का बड़ा दांव खेल रहे हैं। साल 2018 में आमिर, शाहरुख और सलमान तीनों ही बिग बजट की फिल्मों के साथ आ रहे हैं। बता दें, कुल मिलाकर देखा जाए तो 600 करोड़ से ज्यादा का बॉलीवुड पर दांव लगा रखा है। सलमान खान की रेस 3, दबंग 3, शाहरुख खान की 0 और आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। हालांकि उम्मीद है कि इन फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर मुनाफा भी डबल होगा। खास बात है कि 2018 में खान सुपरस्टार्स की कुछ हटकर फिल्में आ रही हैं, जैसे आज तक उनके फैंस ने उन्हें कभी नहीं देखा होगा। सलमान पहली बार नेगेटिव किरदार में नजर आएंगे, वहीं शाहरुख बोने आदमी का किरदार निभा रहे हैं। आमिर खान ठग्स के किरदार में नजर आएंगे। जाहिर है फैन को कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। वहीं बॉक्स ऑफिस पर खान सुपरस्टार की सभी फिल्मों को मिलाकर 1000 करोड़ तक की कमाई हो सकती है। जानते हैं साल 2018 का खान सुपरस्टार्स का बॉक्स ऑफिस का हिसाब किताब। सलमान खान की दो फिल्में, जब रेस 3 का बजट 150 करोड़ रखा गया है, वहीं दबंग 3 का 50 करोड़ का बजट है। यानी सलमान खान की फिल्मों पर लगभग 200 करोड़ लगे। कमाई का अंदाजा, ईद पर रिलीज होने वाली रेस 3 200 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है, वहीं दबंग 3 250 से 300 करोड़ की कमाई की उम्मीद कर रही है। शाहरुख खान की 0, शाहरुख की फिल्म 0 का बजट 180 करोड़ तक रखा गया है। फिल्म में VFX की काफी चर्चा है, जिस पर काफी खर्च भी हुआ है। कमाई का अंदाजा, इस फिल्म की 150 करोड़ की कमाई का अंदाजा किया जा रहा है, क्योंकि ये फिल्म क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, आमिर खान लेकर आ रहे हैं बहु प्रतीक्षित फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। सुपरस्टार की फौज लिए ये फिल्म 210 करोड़ के भारी भरकम बजट पर तैयार है। इसमें अमिताभ बच्चन भी एक रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की कमाई की रिपोर्ट की जाए तो आराम से 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल न्यूज़मेकर्स स्टॉप बॉलीवुड न्यूज़।